Good evening, everybody, and welcome to our channel Udbodh Academy. Again, in today's session of vocabulary, we have brought five words for you. So, we'll start one by one and try to know the meaning of these words. So, the first word today is quintessential. Quintessential. Right? Uh, and its meaning is meaning hai? Representing the most perfect or typical example of a quality or class. Quintessential. Hai. अब इसको याद करने के लिए देखिए क्विंट मतलब क्विंटल ऐसे याद कर लीजिए इसको क्विंट मतलब है क्विंटल और एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक आवश्यक मतलब कोई ऐसी चीज है जो क्विंटल में आवश्यक है मतलब उसकी इंटेंसिटी को बता रहा है कि क्विंटल क्विंटल उस आवश्यक है मतलब बहुत ज्यादा जो आवश्यक है और जो चीज बहुत ज्यादा आवश्यक है जरूरी है वो क्या है सर्वोत्तम है सबसे अच्छी चीज है तभी तो हम उसको क्विंटल भर भर के ले रहे हैं वो क्या है सबसे बेस्ट चीज़ है सबसे परफेक्ट चीज है

उसकी सही बुद्धि काम करे राइट सही निर्णय सही निर्णय और इसको याद करने के लिए कैसे करेंगे याद देखिए एस ए जी ए को हिंदी में क्या बोलेंगे सगा सगा है हमारा अस हमारा अगेन हमारा 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 सगा कौन है हमारी बुद्धि राइट right. हमारी बुद्धि क्या है हमारी सगी है सगा है हमारा हमारी बुद्धि जो हमारे जीवन में हमारी सबसे ज्यादा मदद करने वाली है वही हमारा सगा है तो जो सगा है हमारा वो बुद्धि तो बुद्धिमान सेगेशियस राइट right? ये एडजेक्टिव फॉर्म में है तो बुद्धिमान बुद्धि से क्या बनेगा बुद्धिमान क्लियर नेक्स्ट वर्ड इज इनसेसेंट इनसेसेंट का मतलब होता है अनवरत लगातार लगातार, कंटिन्यूइंग विदाउट पॉज बिना रुके और इंटरप्शन बिना किसी बाधा के नॉन स्टॉप जो काम कर रहा है लगातार किए जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इनसेसेंट अब इसको याद कैसे रखेंगे देखिए लास्ट में क्या है एंट एंट मतलब चींटी चींटियां क्या करती है लगातार काम करती हैं चींटियां लगातार और इसको याद रखिए इन सेस मतलब चींटी किसी भी चीज में इन लग जाएगी इन कर जाएगी तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा ठीक है शेष नहीं बचेगा मतलब चीटियां लगातार उसको क्या कर देंगी लग के उसको शेष कर देंगी मतलब खत्म कर देंगी, जीरो कर देंगी। इन सेसेंट शेष कर देंगी चीटियां किसी भी काम में लग के कैसे लगातार लग के क्लियर सो द थर्ड वर्ड इज ऑल्सो क्लियर फॉर यू द नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड इज वोराशियस 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 को हिंदी में क्या बोलते हैं भूखड़ हैविंग अ वेरी ईगर अप्रोच टू एन एक्टिविटी स्पेशली कंज्यूमिंग फूड खूब भूखड़ खूब खाने पीने वाला उसकी भूख ही नहीं शांत हो रही हो खूब खाने वाला हो ठीक है इन लार्ज क्वान्टिटीज भर भर के अब इसको याद कैसे करेंगे वोरा शेयर वोरा याद कर लीजिए हिंदी में एक शब्द है बोरा बोरा भर भर के ठीक है बोरा भर भर के हम लोग को चाहिए मतलब हम लोग क्या है बहुत हम लोग अस अगेन अगर आप ऐसे याद करना चाहें तो बोरा भर भर के चाहिए हम लोगों को मतलब हम लोग क्या है? बहुत हैं बहुत भूखड़ हैं बहुत भूखड़ हैं बोरा भर भर के हमको चाहिए कोई भी चीज हमें क्या चाहिए बोरा भर भर के चाहिए सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर सच वर्ड्स यूजिंग दिस टेक्निक मेमोरी टेक्निक राइट द नेक्स्ट वर्ड इज इनकॉग्निटो इनकॉग्निटो का मतलब होता है अनजान जिसकी आइडेंटिटी पता नहीं हो हैविंग वंस ट्रू आइडेंटिटी कंसील्ड जिसकी आइडेंटिटी छिपी हुई हो ठीक है पता नहीं हो इनकॉग्निटो इनको याद करने के लिए देखिए इनको इनको जानते हो जी जानते हो नहीं तो नहीं जानता हूं मैं इनको 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 जी जानते हो इनको जानते हो तो नहीं तो नहीं तो सो दिस इज द मेमोरी टेक्निक थ्रू विच यू कैन रिमेंबर वर्ड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सो दैट्स ऑल फॉर नाउ I hope you liked such sessions, and uh, we would like to continue such sessions further. Thank you so much.